बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद अली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस मौजू पे है कि यूट्यूब अक्सर दोस्तों ने ये मैसेज किया है और पूछा है कि यूट्यूब जो है ना चैनल, उसको बनाने का तरीका कार क्या है और उसको बना के उस पर कंटेंट कौन सा लगाना है आपने। सबसे पहली बात यह कि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब चैनल पर एक चीज़ बहुत उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है कि आपने जो भी वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब चैनल पे, जब अपने यूट्यूब चैनल बनाना है उसके बाद आपने ये सोचना है कि आपने कुछ किस कंटेंट पे आपने वीडियो बनानी है, मतलब आपका एक अलग कंटेंट होनी चाहिए वीडियो बनाने का। अगर आप एक कॉपी लिंक कोई वीडियो शूट करके यूट्यूब चैनल पे डालते हो तो वो यूट्यूब चैनल जो है ना वो आपको जो है ना प्रमोट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ना वो आपके जो है ना वीडियो को आगे किसी तक शेयर करेगा। तो आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल पे काम करने का तरीका कार क्या है और यूट्यूब चैनल पे जो है ना उसको चैनल बनाने के बाद उसका कंटेंट कौन सा आपने बनाना है। तो कंटेंट, अब वीडियो शुरू करते हैं इस बात पे हम कि कंटेंट जो होता है ना वीडियो का, बात करने का मकसद, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक वीडियो अपने माइंड में सोचनी है कि आपने एक कंटेंट रखना है, वो फ़नी क्लिप्स बनाने हैं या आपने कोई जो है ना व्लॉग वगैरह बनाना है, कोई स्पीच की वीडियो बनानी है, जिस जो भी कंटेंट आपने रखे हैं तो उस पे आपने वीडियो का जो कि ना फोकस करना है और उस हिसाब से आपने वीडियो अपलोड करनी है। अक्सर आपने देखा है कि बाज़ अवकात ऐसे होता है कि लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो में आपने जब भी यूट्यूब चैनल खोलते हैं उसमें बेशुमार टिप्स देने वाले होते हैं कि ये करें, ये टिप्स इस्तेमाल करें, ये टिप्स इस्तेमाल करें, ये करें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये टिप्स विप्स नहीं, सबसे अहम बात और बहुत जो है ना वो सच वाली बात ये कि आप जब अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर जान लें कि यूट्यूब चैनल आपको प्रमोट तब करेगा जब आप अगर उस पर एक अच्छा कंटेंट उनको देंगे, अलग कंटेंट देंगे कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन लिखी हो, आपका हैश टैग लगा हो, आपका जो है ना टाइटल हो, आपने अपना चैनल का नाम मेंशन किया हो, ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे यूट्यूब चैनल पे तो आप इसके जो है ना फिर वो आप आगे नहीं जा पाएंगे और फिर आपकी वीडियो यूट्यूब चैनल आगे जो है ना फॉरवर्ड नहीं करता किसी तरह। दूसरी बात ये है कि एक दोस्त ने ये जो मैसेज करके पूछा है कि आप जो है ना यूट्यूब चैनल जब बना लेते हैं उसके बाद वीडियो जो है वो हर रोज़ की कितनी अपलोड करनी चाहिए। जो कंटेंट बनाता है और जो वीडियो चैनल बनाता है स्टार्ट करता है तो यूज़र को चाहिए कि स्टार्ट में तकरीबन मैक्सिमम 2 महीने तक वो रेगुलर अपनी जो है ना वीडियो को यूट्यूब चैनल पे ज़रूर डाले हर रोज़, और एक टाइम मैक्सिमम वो फाइनल टाइम रखे कि उसने किस वक्त वीडियो डालनी है, किस टाइम पे वीडियो डालनी है। और यूट्यूब पे ये नहीं कि आज वीडियो डाल दिया आपने, और अक्सर ऐसा होता है कि आज आपने वीडियो डाली उसके बाद महीना पूरा आपने यूट्यूब को देखा नहीं, या आज वीडियो डाल दी उसके बाद एक हफ़्ता यूट्यूब को आपने देखा नहीं। तो यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस यूट्यूब के मेथड को समझें। अगर आप वो नहीं समझ सकते तो फिर आप यूट्यूब पे काम करेंगे आपके सालों के साल ज़ाया हो जाएंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप यूट्यूब, अक्सर दोस्त चैनल बना लेते हैं, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद वो फिर ये सोचते हैं कि अब हम अपने व्यूज़ चेक करें, हम अपने जो है ना सब्सक्राइब चेक करें। तो आपने सबसे पहले जब आपने चैनल को बना लेना है उसके बाद आपने जब स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद आपने सबसे पहली जो है ना वो आपकी ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आपने अपने चैनल पर जो आपने चैनल बनाया उस चैनल पे आपने अपनी वीडियो को नहीं देखना। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो वो ये बात सच नहीं बताते, वो अपनी वीडियो चलाने के लिए ये बात कर देते हैं कि आप इसको इस तरह देखें, इस तरह ना देखें, लेकिन सच बात ये है कि आप जब अपने यूट्यूब चैनल बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आपको यूट्यूब का मेथड का पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब आप यूट्यूब चैनल बना लेते हैं उस पर आपने काम क्या करना, आपका कंटेंट क्या है। सबसे अहम चीज़ ये है, अक्सर दोस्त YouTube चैनल बना लेते हैं लेकिन उनको कंटेंट का नहीं पता होता कि अब करना क्या, हैश टैग कैसे लगाने हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, और हमने वीडियो किस वक्त शूट करके कितने टाइम पे पोस्ट करनी है। तो ये जो चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं, और इसके लिए ये वीडियो दोस्त ने मैसेज करके पूछा था कि यूट्यूब चैनल मैं बनाना चाहता हूँ लेकिन इसका तरीकाकार क्या है। तो तरीका ये है कि यूट्यूब चैनल आप ज़रूर बनाएं, इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप यूट्यूब चैनल पर अगर काम करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है, लेकिन एक तरतीब के हिसाब से। अगर आप बग़ैर तरतीब के काम करेंगे तो आपको यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए लिहाजा जब आप यूट्यूब चैनल अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, नए यूज़र्स हैं, तो सबसे पहले यूट्यूब के मेथड को समझें, यूट्यूब की रिक्वायरमेंट को समझें कि यूट्यूब आपसे चाहता क्या है, मांग क्या रहा है,
और वो आप उसको एक नया कंटेंट दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहली बात ये कि आपने यूट्यूब चैनल पर एक नया कंटेंट पेश करना है। आप जल्दी ग्रोथ करेंगे, आपका चैनल जो होगा वो जल्दी ग्रोथ करेगा। और इसके अलावा अगर आप कॉपी लिंक शेयर करेंगे या किसी की वीडियो को उठा के यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, तो उसका आपको भले आपका चैनल जो है ना मोनिटाइज हो जाएगा, लेकिन उसका आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो आपकी सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये था आज का मेरा एक जो है ना यूट्यूब चैनल के हवाले से वीडियो। तो आप जब भी वीडियो चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, नए यूज़र से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सबसे पहले ये सोचना है कि आपने कंटेंट कौन सा बनाना है, उसके बाद आप यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करें। उसके बाद आपने यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आने के बाद रेगुलर प्रॉपर 2 माह तक आपने अपनी वीडियो को पोस्ट करना है हर रोज़। और उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपका चैनल ग्रोथ करेगा, मोनेटाइज भी होगा, आपको इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये थी आज की वीडियो।